नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडिया नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, गंगे जी। इंडियन ट्रिब्यून न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नासिर अली। यहां प्रदेश कांग्रेस कमेटी हेडक्वार्टर शहीदी चौक जम्मू में इस वक्त मौजूद हूँ मैं, और आज यहाँ पर एक ज्वाइनिंग सेरेमनी। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद लोगों के अंदर कांग्रेस की जो लोकप्रियता है वो बढ़ती ही जा रही है, और कांग्रेस ज्वाइन करते हुए जो है लोगों का हुजूम कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जहाँ एक तरफ भाजपा जो है वो दावे कर रही है कि वो 350 से ज़्यादा की जो है वो तादाद इस बार जो है वो लेने वाली है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस जो है वो लोगों के बीच में अपनी लोकप्रियता बढ़ाने में जो है वो कामयाब रही है, और कांग्रेस में लोग जो है वो जोग दर जोग जो है वो शामिल होते ही जा रहे हैं। आज यहाँ पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हेडक्वार्टर शहीदी चौक में जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में कई नामोर चेहरे जो है वो शामिल होने वाले हैं, और कई जानी मानी हस्तियाँ जो है वो यहाँ पर कांग्रेस आज ज्वाइन करेंगे। आपको बता दें कि कुछ ही दिनों पहले जो है वो सरोर टोल प्लाज़ा को लेकर जम्मू कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ा हंगामा युवा राजपूत सभा द्वारा जो है वो किया गया था, जिसके बाद उनके प्राइम लीडर्स को हिरासत में लिया गया, और फिर जो जम्मू बंद की जो कॉल है दी गई, जिसमें बार एसोसिएशन और चैम्बर ऑफ कॉमर्स का समर्थन भी था। लेकिन आज खास बात यह है कि जहां एक तरफ कांग्रेस के अंदर लोग शामिल हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जम्मू में आज ट्रांसपोर्टेशन यूनियन की तरफ से जो है वो चक्का जाम रखा गया है, जिस पर भाजपा के नेता जो है वो अपनी लोकप्रिय होने का दावा भी कर रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि भाजपा जो है वो आने वाले वक्त में कई तादाद जो है वो भाजपा की आने वाले वक्त में जो है वो 350 से ज़्यादा की जो है वो जीत होने वाली है, बरक होने वाली है। ताहम यहाँ कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स में आज लोगों का एक बहुत बड़ा हुजूम विकार सुलवानी की प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी श्री विकार रसूल वानी की मौजूदगी में जो है वो कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। क्या कुछ है इस सेरेमनी में, ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। और इंडिया अलायंस की तरफ से मिलने वाली, अब ये सारे प्लान वो बना रहे हैं किस तरीके से हम वन इलेक्शन करें, वो करें, ये करें, ताकि हम किसी ना किसी तरीके से पावर ग्रैब करें। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मेजॉरिटी से क्या इनकी जमानतें जब्त होगी आगे आने वाले इलेक्शनों में, ये कोई भी प्लान करे वो सारे फेल हो जाए। 5 स्टेटों में इलेक्शन हुए, 2 महीने भी नहीं हुए, तो कैसे वन इंडिया प्लान हो सकता है? अगर ये करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि फिर सरकार को पहले ही सोचना चाहिए क्यों आपने 5 महीने के अंदर 6-5 स्टेटों में इलेक्शन किए। तो ये तो कोई ना कोई चाल है 2024 इलेक्शन जीतने के लिए। तो मैं यही कहूंगा कि ये जो बीजेपी की सरकार है ये खत्म हो चुकी है, ये रोजगार के मामले में फेल हो गई, ये बेरोजगारी देने खत्म करने के मामले में फेल हुई, इस सरकार में गरीबी दिन ब दिन बढ़ रही है, इस सरकार में महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, लोग इस सरकार से नाराज है, और मुझे लगता है कि 2/3 मेजॉरिटी से इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट आएगी इस मरकज में, उसी से डरी हुई है, ये तभी ये सेशन मेंशन बुला रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के जम्मू के हेडक्वार्टर पे इतनी बड़ी ज्वाइनिंग हुई हमारी ज्योति वैद जी और 100 साफ महिलाएं जो आपने देखी, और सोमराज जी जिनकी वाइफ भी कॉरपोरेटर है, DAP से आए हैं कांग्रेस में, तो इनका हम आज कांग्रेस के इस हेडक्वार्टर पे कांग्रेस फैमिली में वेलकम करते हैं। और आपने देखा पिछले दिनों दिल्ली में हमारे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट खड़गे जी के रेजिडेंस पे इतनी बड़ी ज्वाइनिंग हुई, जिसमें 25 से ज़्यादा सीनियर लीडर्स ज्वाइन हुए, वहाँ काफ़ी कुछ और भी लीडर ज्वाइन करने वाले थे, क्योंकि दिल्ली जाना बड़ा मुश्किल था, इसलिए हमने जम्मू और श्रीनगर में बारी बारी उनको ज्वाइन कराने के लिए प्रोग्राम बनाया, जिसमें ज्योति वेद भी थी और इनके साथी भी थे, इनको भी दिल्ली आना था, लेकिन बाद में हमने प्रोग्राम किया कि ये बाकी लोग जो हैं जम्मू में ही ज्वाइन करेंगे। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की जो फैमिली है जम्मू कश्मीर में दिन ब दिन बढ़ रही है। कांग्रेस 90 विधानसभाओं में एक्सेप्टेबल है, आप कुथवा के डिस्ट्रिक्ट में जाओ या कुपवाड़ा के डिस्ट्रिक्ट में जाओ या बांडीपुरा के डिस्ट्रिक्ट में जाओ या सांबा, रजौरी, पूंछ या चनाबेली में जाओ, हर जगह कांग्रेस की एक्सेप्टेबिलिटी है।
लोग चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार आए, क्योंकि कांग्रेस की सरकार जो है पीपुल फ्रेंडली होती है। कांग्रेस की सरकार लोगों को रोजगार देने के लिए जो वादा करती है वो निभाती है। कांग्रेस की सरकार लोगों को ईजा नहीं देती है, ईजा मतलब हो गया कि उनको दुख नहीं देती, जैसे बीजेपी ने दिया। अभी आप देख रहे हो कि स्मार्ट मीटर में कितना परेशान है लोग। क्या फर्क पड़ेगा इस सरकार को अगर वो इस स्मार्ट मीटर को हटाए? क्या फर्क पड़ेगा इस सरकार को अगर वो उस टोल पोस्ट को हटाए जिसके लिए हमारे युवा राजपूत सभा के लोगों ने कुर्बानी दी, जेलों में चले गए? क्या फर्क पड़ेगा इस सरकार को जो डेली वेजर 15-15 साल से 10-10 साल से बीजेपी हेडक्वार्टर के सामने चिल्ला रहे हैं, अनशन कर रहे हैं? क्या फर्क पड़ेगा अगर उनको परमानेंट किया जाए? क्या फर्क पड़ेगा कि लाख से ज्यादा पोस्टें खाली पड़ी हैं? क्या फर्क पड़ेगा इस सरकार को कि हम रोजगार देते हैं हमारे नौजवानों को जो बेचारे इस वक्त दरबदर हैं, जो इन रोजगार बेरोजगारी की जो जिंदगी गुजार रहे हैं, जो बीजेपी के सेशन में 10 साल में बेचारे ओरेज हो गए, जिनको 5 साल थे वो भी ओरेज होंगे, जिनको 7 साल थे वो भी ओरेज होंगे। तो मुझे लगता है कि एक कांग्रेस की ही उम्मीद है कि कांग्रेस महंगाई से राहत दे सकती है गरीबों को, कांग्रेस लोगों को रोजगार दे सकती है, कांग्रेस गरीबों का कर्जा जो है केसीसी लोन जो है माफ़ कर सकती है, कांग्रेस यहाँ पे लोगों को स्मार्ट मीटरों से श्रीनगर और जम्मू में राहत दे सकती है। एक उम्मीद है लोगों में, तभी लोग जोग दर जोग कश्मीर में हो या जम्मू में हो, लोग जोग दर जोग कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। और हमारा समर्पण है यहाँ के लोगों को, खासकर जो सोर टोल प्लाजा है सरूर, वहाँ पे उसको हटाया जाए, और जो जगह जगह टोल पोस्ट लगाए हैं या तो उनको वाइंड अप किया जाए, यहाँ पे उनके पैसा ख़त्म कम किया जाए। 50 रुपये से आपने टोल शुरू किया, आज 300-400 रुपये लोगों से वसूल कर रहे हो। प्रॉपर्टी टैक्स जो 70 साल में नहीं लगा वो आप लोगों ने लागू कर दिया जम्मू कश्मीर के लोगों। जिस यहाँ पे जो दरबार मुँह होता था, जिस दरबार मुँह से यहाँ के लोगों की इकोनॉमी चलती थी, दुकानें चलती थी, लोग किराए पे रहते थे, होटल चलते थे, पैसे का फ्लो बढ़ता था, वो दरबार मुँह इस सरकार ने ख़त्म कर दिया, जो महाराजा आज़ादी से पहले की परंपरा थी। तो ये लोग जो है पब्लिक विरोधी, गरीब विरोधी सरकार है। तो तभी इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जब भी इलेक्शन हो, कांग्रेस अपनी बहुमत से यहाँ पे सरकार बनाएगी। और जो इंडिया अलायंस है उसमें हम सारी पार्लियामेंट की सीटें जीतेंगे। ट्रांसपोर्ट ने बंद रखा है, हम हर उस चीज़ को सपोर्ट करते हैं जो गवर्नमेंट की एंटी पीपुल पॉलिसी के खिलाफ है। हम ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का, ट्रांसपोर्ट यूनियन का पुरजोर तरीके से जो है उनका सपोर्ट करते हैं, और जो भी आगे के लिए एजिटेशन होगी कांग्रेस उसके उसका साथ देने को पूरा पूरा तैयार है। हमने डिस्ट्रिक्टों में प्रोटेस्ट किए, हमने ब्लॉकों में किए, हमने वार्डों में किए, हमारे प्रोटेस्ट जो है कंटिन्यूसली जारी है इस गरीब विरोधी सरकार के खिलाफ। 370 को लेकर कल जिस तरह से चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ पे सरकार ने कहा कि अभी स्टेटहुड मिलने में हम जवाब नहीं दे सकते, कब देंगे, कब इसको कितना वक्त लगेगा, लेकिन इलेक्शन के लिए तैयार है माहौल पूरा। इलेक्शन को लेके पिछले 4 साल से पार्लियामेंट के अंदर सरकार यही बोलती है कि हम इलेक्शन को लेके तैयार है, इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं? इलेक्शन कमीशन जो है गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में, जो गवर्नमेंट बोलेगा वही करेंगे, ये गुमराह कर रहे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को। जहाँ तक स्टेटहुड का ताल्लुक है, उस वक्त इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर कहा कि हम इस स्टेट को वापस देंगे, लेकिन अभी तक नहीं दिया। वही गुमराह कुन बयान जो कल दिया उनने, उनके वकील ने, गवर्नमेंट के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में, वो बिल्कुल गुमराह कुन बयान है। वही वो बयान पार्लियामेंट में भी दे रहे थे और उन्होंने वहाँ भी सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए इलेक्शन कमीशन को भी बुलाना और गवर्नमेंट को डेडलाइन देना कब वो स्टेट वापस दे। कांग्रेस चाहती है कि स्टेट वापस हो और उसके बाद यहाँ पे चुनाव, असेंबली के चुनाव हो, ताकि डेमोक्रेसिक सिस्टम जो है दोबारा लौट आए, लोग यहाँ पे लोगों की नुमाइंदे असेंबली में पहुंचे, सेक्रेटरीट में पहुंचे, लोगों के काम हो। पिछले 10 साल से पूरा यर्गमाल एमरजेंसी लाइक सिचुएशन बना के रखी है बीजेपी ने। कोई आदमी सेक्रेटरीट में नहीं जा सकता है, कोई आदमी उनकी असेंबली में बात नहीं कर सकता है। अगर यही स्मार्ट मीटर असेंबली के होते हुए लगे होते तो
असेंबली में भूचाल लाया होता, नहीं लगने देते गरीबों के ऊपर इतना जुल्म। तो जब असेंबली होती है तो लोगों की बात होती है। हम चाहते हैं जल्द अज जल्द स्टेटहुड बहाल हो और यहाँ जल्द अज जल्द चुनाव। थैंक यू वेरी मच। उनके साथ वर्किंग प्रेसिडेंट श्री रमन भल्ला जी, तमाम सीनियर कांग्रेस के लीडर यहाँ मौजूद हैं, वेद महाजन जी, ठाकुर मनमोहन जी, पवन रैना जी, खजूरिया साहब, यहाँ पर ब्लॉक के अध्यक्ष चंद्रशेखर जी, यहाँ पर अतुल जी, होशियार जी, अनूप जी, रिक्की जी, गुरप्रीत जी, यहाँ पर गुरमीत जी, सब यहाँ पर मौजूद हैं। आज यहाँ पर हमारी पुरानी बहन ज्योति वैद जी, जिनका काफी समय लंबा कार्यकाल रहा कांग्रेस पार्टी के अंदर, वो कांग्रेस में फिर शामिल हो रही है वकार साहब की अध्यक्षता के अंदर, उनके पास यहाँ मौजूद है। मैं वकार साहब से आग्रह करूंगा कि एक एक करके आप इनको हार डालें। ज्योति वैद जी, उनके बाद मधु शर्मा जी, अरुण अग्रवाल जी के हस्बैंड भी है यहाँ पर।